दोस्तों, आदित्य एल1 के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। शायद अब तक किसी स्पेस एजेंसी को यह संभव नहीं हुआ होगा। वो कारनामा इसरो ने कर दिखाया है। आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट पे एक पेलोड लगा हुआ है जिसका नाम है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, यानी सूट। सूट पेलोड ने पहली बार ली सूरज की फुल डिस्क तस्वीरें। आदित्य एल1 सूरज की ओर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसका सफर जारी है। इस सफर के दौरान आदित्य एल1 पर लगे पेलोड सूट ने अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ के पास सूरज की फुल डिस्क तस्वीर कैप्चर कर ली है। और ये तस्वीर अकेली एक नहीं है, लेकिन अलग अलग तस्वीरें ली गई है। अलग अलग कलर में हमें दिखाई देती है, क्योंकि इस पर अलग अलग साइंटिफिक फिल्टरों का इस्तेमाल किया गया है। और यह तस्वीरें सूर्य की फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर का विवरण बताती है। सूर्य की दिखने वाली सतह फोटोस्फीयर कहलाती है और उसकी ऊपर की पारदर्शी परत क्रोमोस्फीयर कहलाती है। इससे वैज्ञानिकों को चुंबकीय सौर वातावरण के गतिशील संयोजन का अध्ययन करने और पृथ्वी की जलवायु पर सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन के प्रभाव पर बाधा लाने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, ये जानकारी इसरो ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस वीडियो चैनल को आप प्रोत्साहन देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियोस और आने वाली जानकारी तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।